जय हिंद एवरीवन ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् ओम शांति 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 ही इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रॉक्स ओके डू यू मीन बाय रॉक्स दो दर्थ क्रस्ट earth's crust is made up of a different kinds of rock and minerals and rocks of course rocks are made of a, made up of a one or two types of minerals now today we will discuss the different kinds of a rocks so mainly there are three kinds of rocks there are mainly three types of a rocks first one it is igneous rocks second one it is sedimentary rocks and third one it is metamorphic rocks today we will discuss the first type of rocks which is known as a igneous rock so what is these igneous rocks the core of the earth is made up of a molten rocks and gasses these molten rocks known as a magma sometimes these hot magma pushed upward by the pressure of rocks and comes out through a weak point on the surface of the earth and this is known as a वॉल्केनिक इरप्शन द मैगमा देड रिचिस द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज गोल्ड लावा इट लेटर्स कूल्स एंड सॉलिडिफाइज टू फॉर्म इग्निग्नियस रॉक्स इग्नियस रॉक्स कंटेन मिनरल्स सच एज एक्वाइड्स माइका फेट्सपार एंड मैग्नेशियम तो ये हम लोगों को क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ डिज इग्नियस रॉक्स आर फॉर्मड ओके जो रॉक्स होते हैं वो इजीली नेचुरली ऐसे ही बनते नहीं है ऐसे ही इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं दे आर फॉर्म विद द यूज ऑफ नेचुरल सम काइंड ऑफ नेचुरल प्रोसेस तो ये इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं लेट्स वी डिस्कस ओके लेट्स वी डिस्कस इग्नियस रॉक्स में क्या होता है कि जो कोर ऑफ द अर्थ होता है ना वन क्वेश्चन अराइजिंग इन योर माइंड दैट वॉट इज दिस मीनिंग ऑफ द कोर ये कोर क्या होता है तो द कोर ऑफ द अर्थ मीन्स कोर इट इज सेंट्रल एंड मोस्ट पार्ट ऑफ दी अर्थ मतलब कि जो अर्थ का सेंटर और सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम कोर बोलते हैं मतलब कोर विच इज अवेलेबल अंडरग्राउंड अर्थ ओके इट इज अ सेंट्रल एंड इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ मतलब वो हमारे जमीन के ऊपर नहीं होता है इट इज सिचुएटेड अंडरग्राउंड अर्थ ओके तो जो अर्थ का कोर होता है वो किसका बना होता है अंडरग्राउंड अर्थ है जो अर्थ हमारे अंडरग्राउंड अर्थ है अर्थ के नीचे क्या अवेलेबल होता है रॉक्स एंड नंबर ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट ओवर देअर तो जो रॉक्स अवेलेबल होता है अंडरग्राउंड दी अर्थ विच आर इन विच आर इज इन मोल्टन मतलब कि जो रॉक्स हमें अबाउ दी अर्थ अवेलेबल होता है दे आर इन सॉलिड फॉर्म बट द रॉक्स विच आर अवेलेबल अंडरग्राउंड दी अर्थ आर इन लिक्विड फॉर्म एंड विच इज नॉन एज अ मैग्मा मतलब की जो अर्थ के नीचे जो रॉक्स अवेलेबल होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और जिसको हम मैग्मा बोलते हैं द रॉक्स विच आर अवेलेबल अंडरग्राउंड दर्थ इन लिक्विड फॉर्म एंड दिज लिक्विड और मोल्टन रॉक्स आर नॉन एज अ मैग्मा उसको हम मैग्मा बोलते हैं ओके बॉट इट नाव दिज मैग्मा री हॉट मटेरियल ये जो मेगमा होता है वो वेरी हॉट होता है मतलब की वेन एवर एंडर ऑफ दिज मेगमा इनक्रीज इट ट्राइज टू कम्स आउट जब भी ये मेगमा का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है फ्रॉम दर्थ ओके इट ट्राइज टू कम्स आउट थ्रू दी विक पॉइंट ऑफ दी अर्थ मतलब की जहां पे भी धरती का और अर्थ का वीक पॉइंट है वहां से वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा एंड वेनएवर इट कम्स आउट फ्रॉम अर्थ दिस प्रोसेस इज नॉन एज ए वोल्केनिक इरप्शन मतलब कि जो मोल्टन रॉक्स है जो धर अर्थ के वीक पॉइंट के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करेगा और जब वो बाहर निकल जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं ये प्रोसेस को वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं ओके अब जब ये मेगमा रिच इज द सर्फेस ऑफ दी अर्थ जब वो बाहर निकल के स्प्रेड हो जाएगा अर्थ की सरफेस से सरफेस पर ओके okay? तो दीज इज नॉन एज ए लावा मतलब कि जो मैग्मा है जब तक वो अंदर था ओके वेन एवर इट इज इट इट प्रेजेंट अंडरग्राउंड द अर्थ इट इज नॉन एज ए मैग्मा बट वेन एवर इट कम्स आउट फ्रॉम दी अर्थ थ्रू इट्स विक पॉइंट इट इज नॉन एज ए लावा

तब वो कूल cool डाउन हो जाएगा और इट कन्वर्टेड इन टू शेप एंड दिस सॉलिड शेप इज एज़ रॉक्स ओके मतलब कि ये जो न uh, मेटल है मोल्टन रॉक्स है जो अर्थ के वीक पॉइंट के थ्रू बाहर आएगा देन इट स्प्रेड ओवर दी अर्थ मतलब वो अर्थ के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा और वो सॉलिडिफाइड होगा मतलब वो कूल्स डाउन होगा और वो कोई भी सॉलिड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सॉलिड शेप इज नॉन एज इग्नियस रॉक ओके तो जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स तो ये इग्नियस रॉक्स कौन कौन से मिनरल का बना होता है हाउ मेनी मिनरल्स आर प्रेजेंट इन दिज इग्नियस रॉक्स तो इग्नियस रॉक्स कंटेन मिनरल सच एज ए कौन कौन से मिनरल्स होते हैं क्वाड्स माइका फेड्सपर एंड मैग्नेशियम्स ओके हाउ मेनी मिनरल्स आर प्रेजेंट इन दिस इग्नियस रॉक्स तो दी मिनरल्स आर प्रेजेंट इन इग्नियस रॉक्स आर क्वाड्स माइका फेड्स पार एंड मैग्नेशियम ओके नाउ देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इग्नियस रॉक्स अवेलेबल बट इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड थ्री और फोर टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स ओके ज नेम आर ग्रेनाइट बासोल्ट ओके देन अपडियन एंड पॉमिस दीज फोर टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स विच वी हैव टू डिस्कस्ड इन धिस चैप्टर ओके द फर्स्ट इग्नियस रॉक्स इट इज ग्रेनाइट ग्रेनाइट क्या होता है तो इट इज वेरी हार्ड इग्नियस रॉक दैट इज फॉर्म्ड बाय स्लो कूंग सॉरी इट इज वेरी हार्ड इग्नियस रॉक दैट इज फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग मैग्मा अंडर ग्राउंड ओके तो ये क्या बोल रहे हैं ग्रेनाइट जो है रॉक्स मोस्टली जो रॉक्स होते हैं विच आर वेरी हार्ड बट ये जो ग्रेनाइट है इट इज वेरी हार्ड इग्नियस रॉक वो एकदम हार्ड होता है हार्डेस्ट ओके इट इज वेरी हार्ड इग्नियस रॉक ट इज फॉर्म्ड वो कैसे बनता है जो मैग्मा विच इज कम आउट फ्रॉम दर्थ ओके जो मैग्मा अर्थ में से बाहर आता है वो कंप्लीटली जो कूल cool होता है वो कूलिंग प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीटली उसकी स्लो होती है तो ऐसे ये ग्रेनाइट फॉर्म्ड होता है वेनेवर द कूलिंग प्रोसेस इज वेरी स्लो दिस ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड एंड इट इज वेरी हार्ड रॉक ओके अभी ये जो ग्रेनाइट है उसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं तो इन ग्रेनाइट द मिनरल्स प्रेजेंट आर एंड माइका मतलब ग्रेनाइट में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो है फेड स्पार एंड माइका नाउ दिस ग्रेनाइट विच इज अवेलेबल इन आइदर ग्रे और पिंक कलर जे ये जो ग्रेनाइट है वो कौन से कलर्स में रेगुलरली अवेलेबल होता है और वो कौन से कलर हमको देख सकते हैं तो दिस ग्रेनाइट इज अवेलेबल इन ग्रे और पिंक कलर आधर ग्रे और पिंक कलर ओके बट वो किसके ऊपर डिपेंड करता है जो उसका कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है इट डिपेंड्स अपॉन दी प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स मतलब की उसके अंदर जो ये तीन या चार टाइप के मिनरल्स है उनके प्रपोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है ओके, डू यू मीन दिस सपोज कि हम ऐसा बोलते है कि बोलते हैं किस इज टू माइका इज इक्वल टू वन इज टू टू इज टू थ्री मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ग्रेनाइट है उसमें हंड्रेड परसेंटेज है ओके okay? तो वो हंड्रेड परसेंटेज में से न अपॉन हंड्रेड परसेंटेज है वो फेड्स पर है टू अपॉन हंड्रेड परसेंटेज है वो क्वार्स है एंड थ्री अपॉन हंड्रेड परसेंटेज है वो माइका है तो जो ये ग्रेनाइट का कलर है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल उसके अंदर जो मिनरल्स है वो कितने कितने प्रपोर्शन में अवेलेबल है उसके ऊपर उसका कलर डिपेंड करता है नाउ इज दिस वट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस ग्रेनाइट मतलब कि ये ग्रेनाइट कौन कौन सी जगह पे यूज होता है एप्लीकेशन मतलब कोई भी चीज किस जगह पे यूज होती है उसको उसकी एप्लीकेशन बोलते हैं ओके okay? तो ग्रेनाइट जो स्टोन है इग्नियस रॉक्स है इट इज रॉक ओके तो वेर इट इज यूज वो कहाँ पे यूज होता है तो टो इट इज यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स फ्लोरिंग एंड स्टेच्यूज मतलब अगर हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम जो स्टोन या रॉक्स का यूज करते हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में फ्लोरिंग मतलब ये जो हमारा फ्लोर टाइल्स बनाते हैं उसमें एंड स्टेच्यूज ओके स्टेच्यूज मतलब बड़ी बड़ी जो स्टेच्यू बनती है उसमें अगर हमें किसी रॉक्स का यूज करना है तो हम उसमें ग्रेनाइट का यूज कर सकते हैं तो ग्रेनाइट विच इज यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स फ्लोरिंग टाइल्स एंड स्टेच्यूज ओके गॉट इट नाउ टूडे वी विल टूडे वी कंप्लीट अप टू दिस आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन अदर टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक हुम इज whose name is obsidian rocks okay in next lecture or in next period we will discuss obsidian rocks okay thank you